चले जाओ यहां से, अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होगी। जीवन आप ही का दिया प्रसाद है भगवान इंद्र। धन्य हो जाऊंगा मैं यदि मृत्यु भी आप ही से प्रसाद में मिले तो। परंतु उठाया हुआ शस्त्र त्याग कर आप पर लांछन नहीं लगने दूंगा। अर्जुन, पुत्र अर्जुन, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। इस वन को मेरा रक्षण प्राप्त है। भगवान इंद्र, आपका रक्षण तो पूरे विश्व को प्राप्त है, फिर भी सामर्थ्य योद्धा आवश्यकता अनुसार इस भूमि का प्रयोग करते हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान इंद्र? क्योंकि इस वन के नागों को मेरा रक्षण प्राप्त है। इन नागों ने निर्दोष मनुष्यों को दंश देने का अपराध किया है और अपराधियों को रक्षण देना देवताओं को शोभा नहीं देता। भगवान इंद्र, अर्जुन, मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। मेरी तुलना में तुम केवल एक बालक हो। आप ही का बालक हूं भगवान इंद्र, और पिता के कंधे पे बैठे बालक की दृष्टि पिता से भी आगे देखती है। अर्जुन, चले जाओ यहां से, अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होगी। जीवन आप ही का दिया प्रसाद है भगवान इंद्र। धन्य हो जाऊंगा मैं यदि मृत्यु भी आप ही से प्रसाद में मिले तो। परंतु उठाया हुआ शस्त्र त्याग कर आप पर लांछन नहीं लगने दूंगा। अर्जुन,
देश काले प्रतिष्ठित सहेव धर्म सो धर्म देश काले प्रतिष्ठित अदानमान हिंसा धर्मो यावस्ति कृत अदानमान हिंसा धर्मो यावस्ति कृत। मूर्ख प्रजाजनों ठहरो, चूहे खाकर चूहे जैसे व्यवहार करने का आभास हो गया है तुम्हें। ठहरो, किससे डरते हो? हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। ठहरो, भगवान इंद्र वज्र का प्रयोग कीजिए, आपको आपका वचन पूर्ण करना ही होगा। कहाँ जा रहे हो मायासुर तुम? मेरी शरण में इतने वर्ष आनंद से रहने के पश्चात मेरा साथ छोड़े जा रहे हो? रक्षक, व्यापार था तुम्हारे साथ मेरा, लेन देन था हमारे बीच, किंतु प्राणों के संकट की घड़ी है। न तुम मेरा रक्षण कर सकते हो, न मैं तुम्हारा। अब मैं पांडवों की शरण में जा रहा हूं। भगवान इंद्र, आप ही का पुत्र हूं मैं, आपकी पुत्री, देवसेना के पति स्वामी कार्तिकेय का भक्त हूं मैं। इतनी सरलता से पराजित नहीं होऊंगा मैं।
पराजित नहीं होगा भगवान इंद्र। भगवान इंद्र, ये आपके और आर्य के सामर्थ्य की प्रतियोगिता नहीं। हमारे प्रजाजनों के लिए जीवन दान मांग रहे हैं आर्य, आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं। वज्र नहीं भगवान, कृपा दृष्टि दिखाइए। हे दिव्य वज्रास्त्र, मैं आपको प्रणिपात करता हूं। मेरे दिव्य अस्त्र का सम्मान करके शांत हो जाए। इंद्रदेव, अपने कृपा पुत्र अर्जुन के सामर्थ्य का सम्मान कीजिए। उसके सामर्थ्य ने आपको अधिक गौरव दिया है।
वासुदेव, मैंने तक्षक को रक्षण का वचन दिया है और वो पुत्र ही क्या जो पिता के दिए हुए वचन का पालन ना कर सके। रक्षण का वचन तो अर्जुन ने भी दिया है अपनी प्रजा को, ऐसा क्यों होता है इंद्रदेव कि अपनी भावनाओं तथा वचनों का सम्मान सब कोई करता है किंतु दूसरों की भावनाओं तथा वचनों का मूल्य कोई नहीं जानता? किंतु वासुदेव, यदि पिता और पुत्र के दिए हुए वचन में विरोध हो तो किसका मूल्य अधिक होता है? दोनों का। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। उचित होगा इंद्रदेव कि आप अर्जुन को सफल होने में उसकी सहायता करें। सहायता मांगने आए हो तुम अर्जुन? सहायता तीर की नोक में नहीं मांगी जाती। भगवान इंद्र, मैं तो केवल अपनी कला और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा था आपको प्रसन्न करने के लिए, किंतु तीर तुमने मेरी दिशा में छोड़े थे। आपका वास तो हर दिशा में है भगवान इंद्र, ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें तीर चलाकर मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? किस सहायता की इच्छा है तुम्हारी अर्जुन? ये सहायता सुनने से पहले मेरा संकल्प सुन लीजिए भगवान ने। हम सर्व समाज का सदैव रक्षण करें। उन्हें अपने साथ समृद्ध होने का समान अवसर भी दें। हम जिस नगर का निर्माण करेंगे वो आपके नाम से जाना जाएगा। हमारा भव्य नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। मैं प्रसन्न हूं अच्छा। सहायता मांगो। उस नगर का निर्माण कर दीजिए जिसे हम आपका नाम दे सकें। मैं तुम्हारे सामर्थ और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हूं पुत्र। मैं विश्वकर्मा को आज्ञा दूंगा कि वह तुम्हारे नगर का निर्माण आरंभ करें। तुम्हारा कल्याण। भगवान इन अपने पुत्र मोह के कारण आज आपने मेरा त्याग किया है। मैं ये प्रण लेता हूं कि आपके इस पुत्र के वंश का अंतिम दीपक मैं बुझाऊंगा।